हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम अंडर राइटिंग के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द होल ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। ठीक है, अब कैसे कैसे गारंटी ली गई। ए ने गारंटी लिया 40% शेयर्स के लिए, बी ने गारंटी लिया 30% शेयर्स के लिए और सी ने गारंटी लिया 30% शेयर्स के लिए। तो इसी परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे जो कि हो जाएगा 4:3:3। ठीक है, द एप्लीकेशन रिसीव बाई द कंपनी वर फॉर 40,000 शेयर्स। अब देखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स जो था वो इशू किया गया था, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 40,000 के लिए आई। ठीक है, ऑफ विच द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स हैड द स्टैम्प ऑफ ए। बोल रहा है कि 10,000 शेयर्स जो हैं, जो जिनकी एप्लीकेशन आई उस पर ए के स्टैम्प थे। स्टैम्प होना यानी कि मार्क्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, जनरली मार्क्ड एप्लीकेशन के ही जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में दिए होते हैं। दोज फॉर 5,000 शेयर्स दैट ऑफ बी। और 5,000 जो शेयर्स आए, जो अप्लाई किए गए, उस पर मार्क किसके थे, बी के थे। और 10,000 शेयर्स ऑफ सी। और 10,000 जो शेयर्स आए अप्लाई किए गए वो किसके थे, सी के थे। ठीक है, ये मार्क्ड एप्लीकेशंस की बात की गई है। 10,000 ए के, 5,000 बी के और 10,000 सी के। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने इशू हुए थे, 50,000 के। इनका रेशियो भी हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, 4:3:3। ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, खाली अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में नहीं बात की गई, क्योंकि 50,000 इशू हुआ था, 40,000 की एप्लीकेशन आई और किसके किसके थ्रू कितनी मार्क्ड एप्लीकेशन आई, सब कुछ हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन अनमार्क्ड के बारे में हमें नहीं बताया गया है। और टोटल लास्ट में हमें क्या निकालना है, लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। और वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन ना पता हूँ। चलिए अनमार्क्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट से। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, पहला हम लोग दो कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी। ठीक है, बोल रहा है कि जितना टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ था कंपनी को वो था 40,000 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40,000। ठीक, इशू भले ही 50,000 का हुआ था लेकिन रिसीव तो 40,000 का हुआ था। इसी में कुछ मार्क्ड होंगे, कुछ अनमार्क्ड होंगे। ठीक है, तो 40,000 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मार्क एप्लीकेशंस को जब लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने कितने हैं, हमने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे ए को 10,000 आए थे, बी को 5,000 आए थे और सी को 10,000 आए थे। उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख देंगे, ए का कितना 10,000, बी का 5,000 और सी का 10,000। जब टोटल नंबर में से हम मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो 40,000 में से 25,000 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 कितना क्या है हमारा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। 50,000 इशू किया गया था लेकिन एप्लीकेशन 40,000 की आई थी, उस 40,000 में मार्क्ड एप्लीकेशंस भी हैं और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस भी हैं। मार्क्ड एप्लीकेशंस की हमें डिटेल दी गई है कि 10,000 ए ने लाया, 5,000 बी ने लाया और 10,000 सी ने लाया। तो जब मार्क्ड एप्लीकेशंस को टोटल करके हम यानी कि टोटल मार्क्ड एप्लीकेशंस को जब हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड में से माइनस करेंगे तो हमें अनमार्क्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप आपको वर्किंग नोट क्लियर होगा कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं। अब हम लोग इस चार्ट को फिल करते हैं। हम इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें नेट लाइबिलिटी फाइंड करनी थी, कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी फाइंड करनी है। अब ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है, देखिए टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स इशू हुए थे वो कितने थे, 50,000। 50,000 इशू हुआ था और ए बी और सी ने गारंटी कितनी कितने की ली थी, 40 की, 30 की और 30 की। ठीक है, इन्होंने बोला था कि इस पूरे 50,000 की हम इतने रेशियो में गारंटी लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई थी, 40,000 की हुई थी। तो ग्रॉस लाइबिलिटी स्टार्टिंग में उन्होंने क्या लाइबिलिटी ली उसके अकॉर्डिंग हम 50,000 को डिवाइड कर देंगे इनके रेशियो में। 50,000 जो टोटल इशू हुआ था तो उन्होंने अपने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि 50,000 को अगर ए की लाइबिलिटी देखे तो 4 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 20,000। इसी तरीके से हम ए के कॉलम में, बी के कॉलम में और सी के कॉलम में इनकी लाइबिलिटीज डाल देंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने 20,000, 15,000, 15,000 की लाइबिलिटी ली थी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, शेयर्स अंडर रिटन, इतना इन्होंने कहा था कि ये अंडर राइट करेंगे, ठीक है। अब लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब हम लेस करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट कितना था, 15,000। अगर आपको याद हो हम पिछले में जाएं तो यहाँ पे हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 15,000। लेकिन इस 15,000 में ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। अब हम इसी 15,000 को डिवाइड करेंगे इनके रेशियो के हिसाब से, ठीक है। किस रेशियो में, 4:3:3। वापस से मैं आपको कैलकुलेट करना बता दूं, जब आप 15,000 को, यानी कि अगर आपको ए का रेशियो निकालना है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ डिवाइड करेंगे 4+3+3 यानी कि 10, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 6,000 आप सी ए में डालेंगे, जो कि ए का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ उसी तरह 15,000 को बी का निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4,500। और सेम आपका सी का भी कितना आ जाएगा, 4,500। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लेस करते हैं, तो 15,000 हमारा टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन था जो कि हमने कैलकुलेट किया था। अब उसमें से इस जो ये रेशियो है 4:3:3, उसके अकॉर्डिंग हम ए बी और सी के कॉलम में ये डाल देंगे। अब इसमें से भी लेस क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड यानी कि जो डायरेक्टली हमें बताया गया कि ए के थ्रू इतना आया, बी के थ्रू इतना आया और सी के थ्रू इतना आया। तो कितना कितना था वो हमारा, हमने देखा था कि आया था 10,000, 5,000, 10,000, ठीक है, ये आया था। यहाँ पे हमें लेस करना था, सॉरी, तो हम यहाँ लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 14,000, ये आ जाएगा आपका 10,500, ये आ जाएगा 10,500, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 35,000, ठीक है। यहाँ हमें लेस करना था, हम लेस करके इसकी फिगर ले आए, 20-6=14,000, 15-4,500 आ जाएगा 10,500, 15,000-4,500 आ जाएगा 10,500, ठीक है। और उसमें से हमने लेस किया मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन हमारा क्वेश्चन में ही मेंशन था कि ए ने 10,000 लाया, बी ने 5,000 लाया और सी ने 10,000 लाया, ठीक है। अब पूरा जब लेस करेंगे हम, ये आएगा 4,000, ये आ जाएगा 5,500, ये आ जाएगा 500, ये टोटल हो गया 10,000, ये टोटल हो गया 25,000, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। टोटल हमें क्या करना है, पहले हमने वर्किंग नोट में क्या निकाला, अंडर अनमार्क्ड एप्लीकेशन का वैल्यू निकाला, ठीक है। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो वैल्यू होता है, जब भी हम उसे क्रेडिट करेंगे तो वो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे कैलकुलेशन में हमें क्या करना था, हमें पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लगानी निकालनी थी, यानी कि सबसे पहले उन्होंने कितनी की लाइबिलिटी ली थी। टोटल इशू किया था 50,000, तो 50,000 को उन्होंने अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से लाइबिलिटी ली थी। अब उसमें से लेस कर देंगे हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का वैल्यू कितना आया था, 15,000, उनको उनके रेशियो के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लेस करेंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन, जितने की एप्लीकेशन आई थी, यानी कि 10,000, 5,000, 10,000। अब जो अमाउंट निकल के आता है, ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है 4,000, 5,500 और 500, ये इनकी नेट लायबिलिटी है, जिनके लिए ये लायबल है। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द होल ऑफ इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज, यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे और इन्होंने इस तरीके से गारंटी ली है, 4:3:3 का यहाँ भी रेशियो में हमने देखा, इन्होंने 40%, 30%, 30% का गारंटी लिया, जिस हिसाब से रेशियो क्या निकल रहा है, 4:3:3। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 80,000 के लिए रिसीव हुआ, इशू 1 लाख हुआ था, रिसीव 80,000 के लिए हुआ। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड स्टैम्प ऑफ ए, 20,000 का जो स्टैम्प है, यानी कि मार्क्ड एप्लीकेशन जो ए के हैं वो कितने, 20,000 के। बी का कितना है, 10,000 आया है मार्क्ड एप्लीकेशन,
और सी का कितना है 20,000 मार्क्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन की डिटेल दी गई है, कितने के लिए शेयर्स अप्लाई किए गए वो बताया दिया गया है, क्या रेशियो है हमें ये पता है, और कितने के लिए इशू आता है ये हमें पता है। इशू जो होता है वही हमारी क्या होती है, ग्रॉस लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब द रिमेनिंग एप्लीकेशन डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प, रिमेनिंग एप्लीकेशन जो जिसपे स्टैम्प नहीं होते हैं उन्हें अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि कितने हैं, बस बोल रहा है कि रिमेनिंग एप्लीकेशन पे क्या है, स्टैम्प नहीं है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी अंडर राइटर्स की, लेकिन लाइबिलिटी तभी तक डिटरमाइन की जा सकती है जब हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन और मार्क्ड एप्लीकेशन दोनों की डिटेल्स हों। तो मार्क्ड एप्लीकेशन हमें पता है, अब हम अनमार्क्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं तभी हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इसमें हमें आ रहा दो कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का। ये वर्किंग नोट है लेकिन क्लियर करना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी इससे खुश हो और हमें भी पता हो कि हम क्या बना रहे हैं, साफ सुथरी चीज़ें हों। चलिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हुई कंपनी को वो थी 80,000 की, ठीक है। इस 80,000 में मार्क्ड भी होता है और अनमार्क्ड भी होता है, जिसमें कि हमें पता होता है कि कितना ए बी सी के थ्रू आया एप्लीकेशन और कितने पे स्टैम्प नहीं था, कितने अनमार्क्ड थे। तो टोटल एप्लीकेशन 80,000 रिसीव हुआ कंपनी से, ठीक है। अब इससे इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर देंगे, ए से बी से और सी से जो भी ये एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो हम जब माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस निकल के आ जाएंगे। ए के थ्रू 20,000 आता है जिसपे स्टैम्प ए का था, बी के थ्रू 10,000 आता है जिसपे स्टैम्प बी का था, और सी के थ्रू 20,000 आता है जिसपे स्टैम्प सी का था। तो मार्क्ड एप्लीकेशन को जब हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड में से, यानी कि 80,000 में से जब हम मार्क्ड वाले माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 30,000 निकल के आया। अब इस 30,000 का यूज़ पूरा, ये लमसम अमाउंट नहीं होता है, ये 30,000 में कुछ ए का होगा, कुछ बी का होगा, कुछ सी का प्रोपोर्शन निकल रहा होगा। तो जब भी हम इसे यूज़ करेंगे इनके रेशियोज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इन्हें रेशियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ करेंगे। चलिए कैसे करना आगे देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन पेज, इस तरीके से हम बनाते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी, ठीक है, यही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला क्या होता है हमारा, ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी वही होती है जितने के लिए कंपनी ने इशू किया था शेयर्स, जो कि है 1,00,000। 1,00,000 को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 1,00,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3 के रेशियो में। अगर ए का देखा जाए तो 4/10 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम कितना होगा, 10 होगा, और ए का प्रोपोर्शन कितना है, 4 है। इसको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। उसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर तो इसका हो जाएगा 30,000, और सी का भी हो जाएगा 30,000। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000 इशू हुआ था, इनके प्रोपोर्शन में हम लोग ने डिवाइड कर दिया, तो ये होगा 40,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। अब लेस क्या करते हैं हम लोग, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको याद हो तो इसका वैल्यू कितना आया था, 30,000। इस 30,000 को भी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग इनके रेशियो में यूज़ करेंगे, 4:3:3। अब हम लोग अगर डिवाइड करें, अगर हम मैं ए का निकाल के बताऊं तो 30,000 और इसमें ए का प्रोपोर्शन है 4/10, तो कितना आ जाएगा, 12,000, ठीक है। 12,000 कितना अनमार्क्ड हो गया, किसका, ए का। उसी तरीके से अगर हम जब बी का निकालेंगे तो 30,000 × 3/10 कितना आ जाएगा, 9,000, और रेस्ट क्या हो जाएगा, 9,000। तो टोटल ये कितना हो गया, 30,000, ठीक। और ये 30,000 जो अनमार्क्ड का टोटल वैल्यू था, हमने इनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि आया 12,000, 9,000, 9,000। अब ग्रॉस लाइबिलिटी में से अनमार्क्ड को हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि 40,000 में से हम माइनस करेंगे 12,000 को, जो कि आ जाएगा हमारा 28,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 21,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 21,000, ठीक। अब जब हम ग्रॉस लाइबिलिटी में से अनमार्क्ड माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने गलत थोड़ा सा लिख दिया, ये आपका इन दोनों का लेस करके आया। अब मार्क्ड एप्लीकेशन की वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी, थोड़ा सा मैंने इसके आगे लिख दिया है, आप समझिए, ये मार्क्ड एप्लीकेशन का वैल्यू मैं अब इसके आगे लिखूंगी। और मार्क्ड एप्लीकेशन क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन वो है जो कि क्वेश्चन में हमें पता था, क्वेश्चन में बताया गया था ए के थ्रू कितने आए, 20,000 आए, बी के थ्रू कितना आया, 10,000 आया, और सी के थ्रू कितना आया,
20,000 आया, ठीक है। तो अब इनकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, यहाँ पे 8,000 की लाइबिलिटी बनती है, यहाँ पे 11,000 की, और यहाँ 1,000 की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। ए की लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 8,000, बी की 11,000 और सी की 1,000। तो सी, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।